दोस्तों आज बात करेंगे आखिरकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 80% से ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें और आखिरी समय में क्या क्या पढ़ें। दोस्तों आप देख रहे हैं एग्ज़ाम चल रहे हैं और प्रत्येक शिफ्ट में एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो मैंने सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है। इसी के साथ साथ मेरे कुछ कजिन्स ने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने भी मुझे पूरा एनालिसिस करके बताया, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम सुझाव देना तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाता रहूँ। तो दोस्तों पहले तो बात करते हैं रीजनिंग और मैथ में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैंने दोस्तों जितनी भी शिफ्टों में देखा है रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, और रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें और राजस्थान जीके में से इन तीनों टॉपिक में से पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं और 60 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन की मात्रा तो इसमें 60 है, इसमें 30 है और इसमें 30 है, परंतु दोस्तों नंबर की मात्रा अपन बात करें तो इसमें ये प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा और ये दोनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे, 0.5 और 0.5 होंगे। तो दोस्तों पहले आप तो ये सोचिए आपको रीजनिंग सबसे ज़्यादा मजबूत करनी है, और यदि आप वहाँ पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहले इस फोकस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाएं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। यानी इस हिसाब से आप देखिए ये 30 नंबर आपको ला के देंगे और ये दोनों टॉपिक यानी ये 0.5 यानी ये 15 नंबर ला के देंगे मैक्सिमम, और ये कितने नंबर ला के देंगे 30 लाख, यानी अपन को 60 और 30 90 क्वेश्चन करने होंगे तब जाके आपको ये इतने नंबर ला के लाने होंगे। और इसमें तो ओनली 30 क्वेश्चन में ही 30 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले रीजनिंग टॉपिक पर जो ये रीजनिंग है इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और मैं अभी ये भी बता दूंगा कि आप रीजनिंग में कौन से ज़्यादातर पूछ रहे हैं अभी प्रत्येक शिफ्टों में, तो उस अनुसार भी आप तैयारी करें तो इस अनुसार आप इसको पूरा समझ सकते हैं। और दोस्तों निगेटिव मार्किंग तो है, तो आप कोशिश करें कि तुक्का तो लगाएं ही नहीं बिल्कुल ही। यदि आपको लगता है कि दो ऑप्शन क्रॉस के द्वारा हो रहे हैं तो आप आराम से, मतलब संभावना के अनुसार कि आपको लग रहा हो पॉसिबिलिटी है पूरी, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब दोस्तों रीजनिंग में मैंने ज़्यादातर फोकस किया है कि जैसे ये डायरेक्शन वाले हुए, यानी राम 10 मीटर इधर जाता है फिर इतना चलता है फिर इधर चलता है, इसके एक से दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर मजबूत करें। कोडिंग डिकोडिंग हुआ इसको मजबूत करें, एक लुप्त पद वाला पूछता है तो उसको मजबूत करें, और जैसे बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग में दोस्तों मैंने ये देखा है प्रत्येक जो शिफ्ट प्रत्येक जो टॉपिक है उस प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आप नॉर्मली सभी टॉपिक्स को कवर करके जाएं। आप आराम से रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन हैं तो उसमें आप 25 प्लस क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से सही कर लेंगे, और समय भी दोस्तों सफिशियंट समय है, 120 क्वेश्चंस हैं वो आराम से आपके दो घंटे नहीं और उससे पहले यानी 1.5 आवर में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप आराम से क्वेश्चंस को कीजिए और 100% श्योरिटी के साथ कीजिए और क्रॉस क्वेश्चन करके भी चेक करिए। अब दोस्तों जीके में बात करते हैं, जीके में बहुत ज़्यादा मतलब ये रहती है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो दोस्तों मैंने कुछ शिफ्ट में देखे हैं कंप्यूटर भी पूछ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को भी अच्छे से करके जाएं, और मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड लेक्चर भी बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाके उनको देख सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर में भी ज़्यादातर किससे पूछ रहे हैं, MS वर्ड हुआ और MS पावर पॉइंट हुआ, तो इनमें बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि ये स्लाइड शो वगैरह, तो इसमें MS वर्ड और MS पावर पॉइंट में जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें कि पावर पॉइंट में कौन कौन से की से क्या क्या होता है और MS वर्ड में क्या होता है, तो इनको आप अच्छे से करके जाएं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एक से दो पूछ रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो देखिए दोस्तों इसमें करंट भी आ गया पॉलिटी भी आ गया, तो पॉलिटी और करंट में जैसे वेंकैया नायडू जो हुए ये उपराष्ट्रपति, ये कौन से नंबर के हैं, अभी राज्यसभा है उसका उपसभापति कौन है, लोकसभा का सभापति यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है, ये जो करंट से रिलेटेड पॉलिटी के टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और इसके साथ साथ दोस्तों बायोलॉजी से थोड़े तो टफ पूछ रहे हैं, मतलब जैसे अपन ने कोई क्वेश्चन सुने नहीं है वैसे पूछ रहे हैं, तो आप जीके में ये टॉपिक तो ज़रूर करके जाएं तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक खींच पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके में दोस्तों बात करें तो राजस्थान जीके में 60 क्वेश्चन में से 30 प्लस क्वेश्चन
यदि आपने ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, यानी ल्यूसेंट की जो बुक आती है राजस्थान जी के, यदि आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है तो आप 30+ क्वेश्चन तो आराम से कर पाएंगे, यानी 30 नहीं 30 से प्लस क्वेश्चन आराम से, क्वेश्चन बहुत बहुत ही मतलब आसान पूछता है, तो आप इस अनुसार कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें भी आप ज्योग्राफी से संबंधित, जैसे ये हुआ हल्दी घाटी किस जिले में पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप 30+ क्वेश्चन तो यदि आप लूसेंट कर लेते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। इसी के बाद दोस्तों यदि जो ये परियोजनाएं हैं ये किस वर्ष स्टार्ट हुई, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करें, और जो रिव्यू दे रहे हैं उन रिव्यू को आप अच्छे से देख के उनको यदि आप अच्छे से अच्छे कवर कर पाएंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप अच्छे से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने पूरा प्रत्येक जो ये सब्जेक्ट्स हैं उनको आप यदि इस अनुसार पढ़ते हैं तो आप आराम से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। और कोशिश करना कि रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, जो अभी मैं प्रत्येक टॉपिक जो मैंने आपको बताए उन टॉपिक को अच्छे से करके। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नए मेहमानों से विनती है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।